अर्थों का बारे में हम पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अरस्तु ने क्रांति के क्या क्या कारण बताए हैं और उनकी रेमेडीज भी बताई थी। अब अरस्तु के जो सिद्धांत हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधानों का वर्गीकरण। आप सभी जानते हैं कि अरस्तु ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन करके बताया था कि किस तरह की शासन व्यवस्था उपयोगी या लाभदायक होती है। अरस्तु से पहले भी प्लेटो ने भी राज्य के बारे में लिखा था। प्लेटो ने तीन अच्छे राज्यों के बारे में बताया था, राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र। और राज्य के तीन विकट रूप भी उन्होंने बताए थे, निरंकुश तंत्र, अल्पतंत्र तथा प्रभा समूह तंत्र का भी वर्णन किया था। इसलिए ये माना जा सकता है कि प्लेटो का वर्गीकरण ही अरस्तु के वर्गीकरण का आधार है। अरस्तु का जो संविधानों का वर्गीकरण है वो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद ही संविधानों का वर्गीकरण किया है और ये अपने आप में राजनीति विज्ञान को एक महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। अब सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में संविधान क्या है? अरस्तु संविधान के लिए यूनानी शब्द पॉलिटिया का प्रयोग किया है जिसका अंग्रेजी रूपांतर है कॉन्स्टिट्यूशन। अरस्तु ने पॉलिटिया शब्द को राज्य का निर्धारक तत्व माना है। अरस्तु का मानना था कि किसी भी राज्य का अगर हमें स्वरूप का अध्ययन करना है तो उसके दीवारों या परकोटों या नदी नालों द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि संविधान के द्वारा ही उस राज्य के स्वरूप की पहचान हो पाती है। संविधान को परिभाषित करते हुए अरस्तु ने लिखा है कि संविधान सामान्यतः राज्य के पदों के संगठन की एक व्यवस्था है, विशेष रूप से ऐसे पद की जो सभी मुद्दों में सर्वोच्च है। संविधान द्वारा राज्य के विभिन्न पदों का संगठन किया जाता है। वास्तव में अरस्तु राज्य और संविधान में कोई अंतर नहीं करता है। अरस्तु के अनुसार संविधान में परिवर्तन आने से राज्य के पदों में परिवर्तन के साथ साथ राज्य के सामाजिक, आर्थिक व नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार अरस्तु ने संविधान की व्याख्या दो तरह से की है। पहला, अरस्तु कहता है कि राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इस प्रकार संविधान एक जीवन पद्धति है। दूसरा है कि पॉलिटिक्स की चतुर्थ पुस्तक में अरस्तु ने संविधान को परिभाषित किया है और उन्होंने इसे विभिन्न पदों के संगठन की व्यवस्था माना है। अरस्तु की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संविधान ही सर्वोच्च सत्ता को निश्चित करता है, संविधान ही राज्य तथा लोगों के लक्ष्यों को निश्चित करता है, संविधान ही राज्य का सार है, संविधान के आधार पर ही राज्य का निर्माण अथवा अंत होता है, संविधान ही राज्य के पदों तथा उसके स्वरूप को निश्चित करता है। अरस्तु के संविधान संबंधी विचार से राजनीतिक जीवन के तरीके, सामाजिक एवं आर्थिक संगठन की आधारशिला का निश्चय हो जाता है। संविधान द्वारा ही राज्य के आकार, प्रकार या रूपरेखा निश्चित होती है। संविधान ही इस बात को निर्धारित करता है कि राज्य लोकतंत्रात्मक होगा या राजतंत्रात्मक होगा। इस तरह से ये माना जा सकता है कि अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का प्रतिरूप है। संविधान में परिवर्तन का अर्थ है राज्य में परिवर्तन। अरस्तु संविधान के वर्गीकरण को ही राज्य का वर्गीकरण कहता है। इस तरह से संविधान के वर्गीकरण के बारे में उसने निम्नलिखित आधारों पर संविधान का वर्गीकरण किया है। जैसे संख्यात्मक आधार पर इसका अर्थ है कि कितने लोग शासन में भाग लेते हैं, अर्थात कितने व्यक्ति प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं। इसका संबंध शासकों की संख्या से है जिनके हाथों में सत्ता रहती है। अरस्तु के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या एक या कुछ या अनेक भी हो सकती है। दूसरा जो आधार है वो है नैतिक एवं गुणात्मक आधार। इसका अर्थ है शासन सामान्य हित की पूर्ति के लिए किया जा रहा है या नहीं। इस आधार पर अरस्तु ने संविधान को फिर दो भागों में बांटा है। वो दो भाग हैं स्वाभाविक रूप और विकृत रूप। अरस्तु के अनुसार जब शासक वर्ग सामान्य हित के लिए शासन करता है
तो संविधान का रूप शुद्ध या स्वाभाविक होता है। संविधान का रूप विकृत तब होता है जब शासक वर्ग सत्ता का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है। इस प्रकार संविधान यानी कि राज्य के रूप का निर्धारक सामाजिक हित का विचार होता है। जैसा अब हम इस टेबल से समझ सकते हैं कि शासकों की संख्या यदि एक है तो उसका नॉर्मल रूप होगा मोनार्की यानी कि राजतंत्र, और उसका परवर्टेड जो फॉर्म होगा वो कहलाता है निरंकुश तंत्र, मतलब एक तानाशाही शासक हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर कुछ शासकों की संख्या है तो वह कहलाती है एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र, और उसका जो परवर्टेड फॉर्म होगा वो कहलाता है धनिक तंत्र। ठीक है, तीसरा आता है बहुतों का शासन, इसे कहते हैं हम पॉलिटी, और वो कहलाता है प्रजातंत्र। तो इस तरह से संविधान के तीन शुद्ध और तीन विकृत रूप बताए हैं अरस्तु ने। राजतंत्र के अनुसार एक व्यक्ति यदि राज्य हित में कार्य करता है तो वह राजतंत्र कहलाता है, और यह किसी भी शासन व्यवस्था की एक उच्चतम सर्वोच्चता व्यवस्था कहलाती है। और यदि शासक सद्गुणी होता है तो ऐसा शासक सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु अरस्तु का मानना है कि ऐसा शासक मिलना बहुत कठिन है, और यदि ऐसे शासक का उत्तराधिकारी भी सद्गुणी हो तो राजतंत्र विकृत होकर निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। अरस्तु राजतंत्र के पांच प्रकार बताता है। इसमें उसने बताया कि स्पार्टा मॉडल के राजतंत्र में शासक को केवल सैनिक कार्यों का संचालन करना पड़ता है। बर्बर जातियों में पाए जाने वाले राजतंत्र में राजा निरंकुश तंत्र की तरह व्यवहार करता है। तानाशाही में राजा अत्याचारी और स्वेच्छाचारी हो जाता है। वीर युग के राजा युद्ध कार्यों में सेना की अध्यक्षता करते हैं। संपूर्ण राजतंत्र में राजा अपनी संतान की तरह सब विषयों का अधिकार प्रजा पर रखता है। यही राजतंत्र संपूर्ण राजतंत्र है। इस तरह से ये माना जा सकता है कि अरस्तु के राजतंत्र की धारणा आदर्श राजतंत्र की है। अरस्तु का शासक सद्गुणी व्यक्ति होता है जो जनहित में शासन करता है। हालांकि संपूर्ण राजतंत्र को वह श्रेष्ठ मानता है, लेकिन ये भी मानता है कि इस प्रकार का शासक संभव नहीं है। दूसरा आता है निरंकुश तंत्र। जैसा कि नाम से विदित है कि यह राजतंत्र का विकृत रूप है। इसमें शासक जनता के हितों की अनदेखी करके स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करता है। अरस्तु ने निरंकुश शासक के तीन प्रकार बताए हैं, जिसमें राजा कानून का पालन करते हुए संयम से शासन करता है, जिसमें शासक धन प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, और तीसरा है इस प्रकार के निरंकुश तंत्र में शासक कानून की उपेक्षा करते हुए पूर्ण स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। तीसरा आता है कुलीन तंत्र। जिस राज्य में शासन सत्ता का प्रयोग कानून के अनुसार किया जाता है कुलीन तंत्र कहलाता है। कुलीन तंत्र का भी राजतंत्र की तरह बुद्धि गुण तथा संस्कृति द्वारा संचालित है, कानून प्रिय प्रणाली है, और कुलीन तंत्र वंशानुगत भी हो सकता है और आयु के अनुसार भी। अरस्तु ने ये ध्यान देने योग्य बात है कि आयु पर आधारित कुलीन तंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट आता है इसमें अल्पतंत्र या धनिक तंत्र। यह कुलीन तंत्र का ही विकृत रूप है। इसमें शासक वर्ग स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करता है, और ये थोड़े से धनी व्यक्तियों का ही शासन हो जाता है, और जिसका उद्देश्य क्या होता है, राज्य सत्ता का प्रयोग धन इकट्ठा करना होता है, और ये शासन की स्थायी व्यवस्था नहीं होती और अरस्तु इससे घृणा करता है। नेक्स्ट आता है सर्वजन तंत्र या बहुतंत्र, जिसे पॉलिटी उन्होंने नाम दिया है। इसका अर्थ होता है कि जब शासन का संचालन जनता की भलाई के लिए किया जाता है तो वह बहुतंत्र कहलाता है। इसमें किसी विशेष वर्ग को संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है और यह शोषण रहित प्रणाली होती है। अरस्तु का सर्वजन तंत्रवाद धनिक तंत्र और भीड़ तंत्र के बीच का मार्ग कहलाता है। फिर आता है लोकतंत्र या भीड़ तंत्र। संविधान का यह रूप संवैधानिक तंत्र का विकृत रूप है। इसके अंतर्गत राज्य की प्रभुसत्ता निर्धन वर्ग के हाथ में होती है। इसे बहुमत का शासन भी कहा जाता है। निर्धन वर्ग अशिक्षित और साधन संपन्न नहीं होने के कारण क्या करता है, धनिक वर्ग से घृणा करता है, और गरीब वर्ग स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करता है। इसमें सामान्य हितों की उपेक्षा की जाती है। इसलिए माना जा सकता है कि अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण को
आर्थिक गुणात्मक कार्य प्रणाली संबंधी आधार भी बताए हैं। दो आधार तो बताए हैं उन्होंने, इसके अलावा ये भी बताए हैं। यह वर्गीकरण का आधार आर्थिक आधार है। अरस्तु गुणात्मक आधार पर भी धनिक तंत्र का मुख्य गुण धन, प्रजातंत्र में धर्मनिरपेक्षता, समानता व स्वतंत्रता तथा कुलीन तंत्र में विद्वता का मुख्य गुण मानता है। अरस्तु कार्यप्रणाली के आधार पर भी वर्गीकरण करता है। अरस्तु का मानना है कि जब धनिक तंत्र में उच्च शासकीय पदों के लिए निर्वाचन में धनी व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं, जबकि शुद्ध जनतंत्र में साधारण व्यक्ति भी भाग ले सकते हैं। इसी तरह से जो उन्होंने ये इसका चक्र बताया है शासन व्यवस्था का, उसी तरह से उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में भी चर्चा की है। जैसे उसको उन्होंने संविधान के वर्गीकरण के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तनों का भी एक कालचक्र प्रस्तुत किया है, और जिसे साइकिल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, उसी तरह से शासन में भी परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। जैसे साइकिल का पहिया आगे की तरफ घूमता हुआ दूरी तय करता है, इसी प्रकार से शासन प्रणालियां भी आगे की ओर घूमती हुई दूरी तय करती हैं और अपना रूप बदलती रहती हैं। जैसे राजतंत्र से निरंकुश तंत्र पे आई, फिर कुलीन तंत्र पे, फिर धनिक तंत्र, फिर सर्वजन तंत्र और लोकतंत्र पे, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो इस तरह से हम इस चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले राजतंत्र आता है, विकृत होने पर वो निरंकुश तंत्र में बदल जाता है, निरंकुश तंत्र के अत्याचारों से दुखी जनता सामान्य हित में अंत करके कुलीन तंत्र की स्थापना कर लेती है। धीरे धीरे कुलीन तंत्र के विकृत होने पर धनिक तंत्र की स्थापना हो जाती है, फिर मध्यवर्गीय नागरिक धनिक तंत्र का अंत करके सर्वजन तंत्र की स्थापना करते हैं, और जो अपने विकृत रूप लोकतंत्र या वीर तंत्र में बदल जाता है। फिर इसके अंत होने पर फिर किसी वीर पुरुष द्वारा किया जाता है जो सर्वगुण संपन्न होता है, फिर वो जनता का नायक होता है, पुनः राजतंत्र की स्थापना चलती रहती है। तो इस तरह से ये संविधान और सरकार का चक्र चलता रहता है। कुछ बिंदुओं पर इसकी आलोचना की गई कि भाई ये इसका कोई अनिश्चित आधार है, और ये जो चक्र है ये परमानेंट चक्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनका रूप बदलता रहता है। फिर क्या है कि मौलिकता का अभाव पाया जाता है, अवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इसकी संरचना की है। अरस्तु का वर्गीकरण राज्यों ना होकर सरकार का वर्गीकरण बताया जाता है। और दूसरी बात यह है कि राज्य संविधान तथा शासन में बिल्कुल इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, और ये अंतर करना आधुनिक दृष्टि से गलत भी बताया गया है। दूसरी बात है कि ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता कि राजतंत्र है तो लोकतंत्र बिल्कुल नहीं होगा, या लोकतंत्र है तो राजतंत्र। मिश्रित सरकार के लिए कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। प्रजातंत्र भी सबसे बुरी सरकार नहीं है, कि उसका विकृत रूप उन्होंने गरीबों की सरकार को बता दिया गया है, और आधुनिक सरकारों पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस तरह से ही माना जा सकता है कि जो संविधान का वर्गीकरण है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन इसको पूरी तरह से हम नहीं मान सकते हैं। धन्यवाद।